गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग सर. सबको एक साथ गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग में ही हमारा पूरा समय निकल जाएगा सर. तो मेरी तरफ से सभी लोगों को एडवांस में गुड मॉर्निंग. जो ज्वाइन होंगे उनको भी गुड मॉर्निंग. और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार. गुड मॉर्निंग. तो दोस्तों, जैसा कि आज हम जान रहे हैं कि आज कोविड 19 का दोबारा से बहुत बड़ा प्रकोप चल रहा है. जिस तरीके से सिचुएशन है, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ नहीं है, किसी को लगता है, किसी को लगता है नहीं है. लेकिन मैं तो एक बार जानता हूँ, धुआं वहीं उठता है जहाँ कुछ ना कुछ तो होता है. तो कुछ ना कुछ तो है और किसी के साथ हो रहा है, तो वो लोग तो वैसे भी परेशान है. तो हमें ये मान के ही चलना है कि कुछ ना कुछ तो है. तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके सामने आज हम और आप बैठे हैं कि हम अपने घर पे रह के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने और अपने परिवार के लिए कुछ कर सकते हैं. क्योंकि आज और हम और आप घर से बाहर निकलते हैं, भाग दौड़ करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं. कर क्यों रहे हैं? कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के लिए. तो जब ये सारी चीजें हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीजें अगर हमें घर से करने का मौका मिले, तो कहीं ना कहीं सिर्फ एक पार्ट रह जाता है सीखने का, और वो हमें सीखना पड़ेगा. चलिए, तो एक पार्ट रह जाता है सीखने वाला. और अगर हम सीखने के लिए तैयार हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं. दोस्तों, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमें जो भी आज तक हम लोगों ने किया है, वो हमने सीख के ही किया है. लेकिन आज जैसी सिचुएशन है और हमें ऊपर वाले ने जो मौका दिया है कि हम ऑनलाइन काम करके, ऑनलाइन वर्किंग करके और कहीं ना कहीं हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ पे सबसे पहले फोकस खुद को करना पड़ेगा. खुद ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. और मुझे उम्मीद है कि आज जितने भी लोग हमारे साथ में कनेक्टेड हुए हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे ज्वाइन लोग हैं. कुछ लोग नए भी होंगे, कुछ लोग हैं जिन्होंने साइन अप किया होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने प्लान देखा हुआ है, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्वाइन तो हुए थे लेकिन ज्वाइन होने के बाद उन्होंने कुछ लोगों से बात की. और जब लोगों ने बोला तुम कहाँ चक्कर में फंस गए हो, क्योंकि ऐसे जब वर्ड आते हैं जो अनएक्सपेक्टेड वर्ड होते हैं, क्योंकि हमें तो लगता है हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो चीज हमें लगती है वो सबको लगे ऐसा जरूरी नहीं है. तो सबसे पहले हमें अपने आप को क्लियर करना होता है कि लोग कुछ भी कहें लेकिन हम अपनी जगह सही हैं या नहीं है, ये क्लियर करना बहुत जरूरी है. क्योंकि ये बिजनेस जो है लोगों को समझाने का नहीं है, खुद को समझाने का है. ये बिजनेस लोगों को कन्विंस करने का नहीं है, खुद को कन्विंस करने का है. लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने का नहीं है, हमें खुद की कन्फ्यूजन दूर करनी है. अगर हम ही कन्फ्यूज होंगे तो कुछ होने वाला नहीं है. तो सबसे पहले आज हम इस बात पे बात करेंगे कि काफी सारे लोग हैं जो हमारे साथ में ज्वाइन होते हैं, काफी सारे हमारे लीडर्स हैं जो काम करते हैं. तो काम करते करते एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है काफी सारे लोगों से. जब मेरी बात होती है हमारी टीम के जो कोर लीडर्स हैं, वो भी जब अपनी टीम में बात करते हैं तो बोलते हैं सर हमारी बहुत अच्छी टीम काम कर रही है, बहुत अच्छी सर ज्वाइनिंग आ रही है, बहुत अच्छे लोगों के चेक बन रहे हैं. लेकिन जब फाइनली हमारा वीक का क्लोजिंग होता है और जब हम बात करते हैं सर कैसी क्लोजिंग रही, कितने लोगों का चेक बना, कितने लोगों का लेवल हुआ, तो काफी सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं. काफी सारे लोगों के जवाब आते हैं कि सर लेवल तो होना था लेकिन हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो पाइप में फंस गई. अब मैं कई दिनों से ढूंढ रहा हूँ कि पाइप नहीं मुझे मिल रहा है. अगर ये पाइप मुझे मिल जाए तो इस पाइप को मैं कहीं उठा के जो है साइड में कर दूं. लेकिन हमारे काफी सारे को लीडर बोलते हैं सर ज्वाइनिंग तो आ रही थी पर वो लोग तो आ रहे थे पर वो पाइप में फंस गए. तो ये पाइप किस किस के पास में है, जरा हाथ खड़ा करके बताओ. इस पाइप को आज उखाड़ के साइड में करना है और ये पाइप में नहीं फंसेगा मामला आज के बाद. तो आज हम पाइप में फंसने का जो मतलब है वो समझेंगे. पाइप में फंसने का मतलब है, काफी सारे लोग इसको सरल भाषा में भी बता देते हैं कि सर हमारी जो ज्वाइनिंग आनी थी वो पेंडिंग हो गई. तो हमारा जो चेक है वो बनते बनते रह जाता है, हमारी जो ज्वाइनिंग है, हमारा जो लेवल है, हमारा जो टारगेट है वो होते होते रह जाता है. कितने लोगों की ऐसी प्रॉब्लम है या उनकी टीम में ऐसी समस्या आती है कि सर ज्वाइनिंग आते आते रह जाती है, हाथ खड़ा करके बताइए. चलिए बहुत बढ़िया. काफी सारे लोग तो सोच रहे होंगे सर मैंने तो अभी तक किसी को बताया ही नहीं, मैं क्यों हाथ खड़ा करूं, मेरे सामने तो मैंने किया ही नहीं, प्रॉब्लम कहाँ से आएगी. तो ठीक है, आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, लेकिन आप एडवांस में सीख लेंगे तो नुकसान नहीं होगा बिल्कुल भी.
आपके सामने प्रॉब्लम आए ही नहीं, तो आप शुरू से जब से स्टार्ट करेंगे तब से आपका चेक बनना स्टार्ट हो जाएगा और कभी भी ये चेक आपका रुकेगा नहीं। तो वो नॉलेज आपके काम आने वाली है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पोलियो का टीका पहले लगवा दिया जाता है, पोलियो ना हो इसके लिए। तो ये पोलियो का टीका है कि आपका चेक रुके नहीं, इसके लिए आज आपको टीका मिलने वाला है। इस तरीके से गाड़ी की सर्विस खराब होने के बाद नहीं होती है, गाड़ी खराब ना हो इसलिए हम लोग पहले से ही सर्विस करवा लेते हैं। तो आज आपकी भी वो सर्विस होने वाली है कि आपका चेक आज के बाद बनना है, बन रहा है तो हमेशा बनता रहे, अगर नहीं बना है तो बनना स्टार्ट हो जाए और कभी रुके नहीं। तो कोई भी परेशान ना हो, बोले सर हमारे मतलब की बात नहीं है, सबके मतलब की बात है। क्योंकि अल्टीमेट हमारा जो वर्क है वो यही है कि हम लोगों से बात करते हैं और लोग जब हमें बोलते हैं हाँ ठीक है बहुत बढ़िया है सर हम ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करेंगे तो कब करेंगे इसका कोई अता पता नहीं है। और हम बोल देते हैं अपने अपलायन को सर हमारी ज्वाइनिंग आने वाली है, हमारा इसी हफ्ते लेवल हो जाएगा। और जब अपलायन पूछते हैं सर आपके लेवल का क्या हुआ, बोले सर वो ज्वाइनिंग तो आ रही थी वो आते आते रह गई। तो ये आते आते क्यों रह गई भाई, उसका ड्राइवर कौन था? अगर उसका ड्राइवर हम होते तो हम जरूर ज्वाइन कराते, ड्राइवर कोई और था। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन सब चीजों के पीछे रीजन क्या है। दोस्तों रीजन क्या है वो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमें एक बात पे फोकस करना पड़ेगा और खुद को एक चीज कुछ चीजें समझानी पड़ेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ज्वाइनिंग आती क्यों नहीं है या फिर हमारी ज्वाइनिंग रुकती क्यों है, उस पर हम बात करने वाले हैं। दो बातें आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक तो ज्वाइनिंग निकालनी कैसे है, और एक सबसे पहले वो माहौल ही हमें क्रिएट करना है जिससे हमारी ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक ही आ जाए। तो जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बातों को सबसे पहले आपको रियली खुद समझना है, और जिसमें जो मैं पॉइंट बताऊंगा उसको आप जरूर नोट करना। तो जो सबसे बड़ी बात है जो हमें रियली समझने की जरूरत है कि हमारी ज्वाइनिंग का हम माहौल नहीं बना पाते, हम वो क्लोजिंग नहीं करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेल या हमारे जो लोग हैं वो हमारे साथ में क्लोज नहीं होते। तो सबसे पहले हमें वो माहौल कैसे बनाना है, वो क्लोज कैसे करना है, उसके लिए हमें सबसे पहले खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि हम ही अभी तक खुद क्लोज नहीं है। अभी तक क्लोज नहीं है हम, बिल्कुल सिस्टम से बिल्कुल क्लोजली अभी तक कनेक्टेड नहीं हो पाए। अभी तक हम भी ही खुद कंफ्यूजन में जी रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो सामने वाले को नजर नहीं आता। और जब तक सामने वाले को आपके चेहरे पे कॉन्फिडेंस नजर नहीं आएगा कि आप जो बोल रहे हैं उसमें आपको कॉन्फिडेंस कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कि सामने वाला व्यक्ति आप पे बिलीव करेगा कि नहीं करेगा, ट्रस्ट करेगा कि नहीं करेगा। और दोस्तों ये बातचीत का काम है। नॉर्मली हम लोग जब न्यू लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो भी तुरंत लोगों से बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब बातचीत होती है तो लोग बोल देते हैं अच्छा अच्छा क्या है, बोले ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, बोले अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है सर आपने बताया है तो मैं देखता हूँ और बताऊंगा आपको। यहाँ तक हमारी बात तो पहुंचती है लेकिन इससे आगे हमारी बात क्लोजिंग तक नहीं पहुंचती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? ज्यादातर लोगों की बात यहाँ तक पहुंच जाती है लेकिन इसके आगे मामला अटक जाता है। हमारी क्लोजिंग कब होगी, हमारी ज्वाइनिंग कब आएगी, है ना? और फिर हम जब फोन करते हैं तो कभी सामने वाला व्यक्ति फोन उठाता है, कभी नहीं उठाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें क्लियर नहीं हो पाती। चलिए तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमें क्या समझना है। हमें ये समझना है कि आखिर हम क्यों कर रहे हैं इस काम को। मैं आपको आज ही बोल रहा हूँ, आज से पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन आज आप तय करिए, आज आप डिसाइड करिए, क्या आपको बिलीव है कि इस सिस्टम में जिसमें आज आप आए हैं, हिंदुस्तान में लाखों लोग आज सिस्टम के अंदर अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, आपको बिलीव कितना है? दोस्तों बिलीव आपको 100% करना पड़ेगा। 1% भी कम हुआ तो काम नहीं चलेगा। दोस्तों 100% बिलीव अगर हम कर सकते हैं तो हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिलीव अपने अंदर से लाना है। और बिलीव लाने के लिए अपने आप को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को वहां लेके जाना है जहां पे लोगों की सफलता है। जिस तरीके से हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल में काफी सारे बच्चे फेल होते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने बच्चों को उन बच्चों का एग्जाम्पल देते हैं कि देख तेरी क्लास में लड़का पढ़ता है, देख गुप्ता जी का लड़का, देखो कितना होशियार है, उसके पहला नंबर आया है, तू क्या करता रहा। ऐसे हम अपने बच्चों को होशियार टॉपर बच्चों के एग्जाम्पल देते हैं। कभी भी हम अपने बच्चों को ये एग्जाम्पल नहीं देते हैं कि देख ये फेल हो गया तो क्यों परेशान है, फेल ही तो हो जाएगा। क्या ऐसा हमने कभी अपने बच्चों को संस्कार दिए? हाथ खड़ा करके बताइए, कभी नहीं दिए ना, हाथ खड़ा करिए आप लोग। तो फिर ऐसा क्यों होता है
कि जब इस बिजनेस की बारी आती है तो हम फेलियर लोगों को देखना चालू कर देते हैं। लोगों की तो छोड़ो, हम अपने ही मन में डाउट कर जाते हैं, पता नहीं हम कामयाब होंगे कि नहीं होंगे। पता नहीं विशाल सर का तो काम चल गया, दिलीप सर का काम तो चल गया, मुकेश सर का काम तो चल गया, प्रमोद सर का काम तो चल गया, डॉक्टर साहब का काम तो चल गया, मोहित गुप्ता सर का काम तो चल गया, मयंक सर का काम तो चल गया, लेकिन मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब हमारे इसी ग्रुप में इतने सारे लोग अचीवर बन रहे हैं, हर वीक आप देखते हैं बहुत सारे लोगों की फोटोज आती हैं, इन्होंने इतना लेवल किया, इनका इतने का चेक बना, तो सवाल मेरा आपसे ये है कि हम लोग अचीवर्स को ना देख के बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं किसी कारणवश, उस पर भी हम बात करेंगे, हम उनको क्यों देखते हैं सबसे पहली बात। और जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम अपना नजरिया नहीं बदलेंगे, तब तक कोई ज्वाइनिंग हमें दे क्यों देगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अपना कैरियर व्यक्ति तब लगाता है, अपना हाथ हमेशा व्यक्ति उस व्यक्ति के हाथ में देता है जिसको वो देखता है कि व्यक्ति हमें आगे लेके जा सकता है। किसी भी कंफ्यूज माइंड व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति अपना हाथ देने को तैयार मार्केट के अंदर नहीं है। दूसरों की तो छोड़ो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस गाड़ी में आप बैठने वाले हैं उसके ड्राइवर से आपने पूछा भाई साहब चलोगे, बोले बैठ जाओ देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं, वैसे मुझे ज्यादा चलानी नहीं आती, कितने लोगों को लगता है कि आप उस गाड़ी में बैठ जाएंगे, बोलेंगे चलो भाई जहां तक चलानी आती है वहीं तक ठोको तो ठोक देना कोई बात नहीं, कभी ऐसा होगा? आप ड्राइवर के कॉन्फिडेंस के ऊपर गाड़ी के अंदर बैठते हैं, ना तो आप ड्राइवर का लाइसेंस चेक करते हैं, ना ड्राइवर को आप ये पूछते हैं आप लोग कितने साल का एक्सपीरियंस है। उस समय जिस गाड़ी में हम बैठते हैं उसका ड्राइवर का कॉन्फिडेंस के हिसाब से, आइए सर बैठिए, और उसका कॉन्फिडेंस से हम लोग गाड़ी में बैठते हैं, वो चलाना आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस से हमें रिलैक्स हो जाता है। लेकिन जब कोई ड्राइवर हल्की फुल्की गाड़ी मिस्टेक करता है तो हमें डर लगा रहता है, कब इस गाड़ी से उतरे, कब इस गाड़ी से उतरे। दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर भी, इस दुनिया में कामयाबी की भी एक गाड़ी है, और वो गाड़ी के ड्राइवर के साथ में वही लोग बैठना चाहेंगे जो ड्राइवर के अंदर कॉन्फिडेंस है, जिस गाड़ी को चलाना आता है उस ड्राइवर को। तो अभी तक कंफ्यूज, जिसको पता ही नहीं है कि उस ड्राइवर को गाड़ी लेके जाना कहाँ है, उसके साथ पब्लिक कैसे आई, लोग क्यों आएंगे। तो सबसे पहले हम अपनी कंफ्यूजन को कैसे दूर करें, इसके ऊपर मैं 2-3 पॉइंट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, कुछ भी समझाने वाला नहीं हूं, क्योंकि आज आप डिसाइड करें। कल हम लोग प्लान करेंगे, कल हम लोग एक प्लान प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें आप लोगों को क्यों लेके आएंगे। जब आप खुद ही कंफ्यूज होंगे तो क्यों लोगों को कनेक्ट कराएंगे। बिजनेस तो बहुत आसान है, बिजनेस कैसे होगा, क्या नीड है लोगों को, इसकी जरूरत क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे लोग पैसे कमा सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये सारी की सारी बातों का प्रेजेंटेशन हमारे माध्यम से, हमारी कोर टीम के माध्यम से आपको मिल जाएगा, जिसमें आप ओनली सिर्फ एक काम करके अपने नियर और डियर लोगों को उनकी नीड के हिसाब से उनको बात करके उनको सिर्फ कनेक्ट करा के इस बिजनेस में ला सकते हैं। उनको आप कनेक्ट कराएंगे, नॉलेज यहाँ से अपडेट होगी, आपको सिर्फ बताना है और अपना बिलीव देना है, ज्वाइनिंग आ जाएंगी, आपके चेक बनेंगे, आपकी टीम बनना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम अपने किसी को बताएं क्यों, जब तक हमें क्लियर नहीं है। तो कुछ बातें हैं जो अपनों को जब हम किसी को ज्वाइन कराएं तो वो हमें लोगों को क्लियर करनी है, वो सबसे पहले खुद क्लियर करें। पहली बात कि दो तरीके के काम है इस दुनिया के अंदर, एक अच्छा काम एक गलत काम। तो सबसे पहले आज आपको सेल्फ एनालाइज करना है कि क्या हम और आप जो काम कर रहे हैं वो सही काम है गलत काम। दोस्तों, गलत काम की अगर हम बात करें तो नहीं करेंगे, हम अच्छे काम की बात करेंगे। गलत काम के बहुत सारे तरीके हैं और लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आज लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके काम करने से किसको क्या नुकसान हो रहा है, किसकी जान को खतरा है, किसकी मौत हो रही है। आज लोग पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं। आप देखें, हमारे खाने पीने की चीजों को ही अगर हम देखें तो हम लोग जो मसाले लाते हैं उसके अंदर अगर हम देखें तो लोग मिर्च के अंदर कलर मिला देते हैं, धनिया के अंदर गधे उसके घोड़े की लीद मिला देते हैं, पता नहीं क्या क्या सिस्टम चल रहे हैं। दाल के अंदर कंकड़ मिला देते हैं, पता नहीं क्या क्या लोग कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, जिससे लोगों को जान का खतरा। यहाँ तक कि दूध जैसी चीज में भी कितने ज्यादा केमिकल यूज हो रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी पैदावार नहीं उससे ज्यादा खपत है, तो ये दूध आ कहाँ से रहा है, सारा सिंथेटिक दूध है। और उस बच्चे का क्या दूध है, दोष है आप बताइए, जो किसी गाय का बछड़ा है या किसी भैंस का जो बच्चा है, और लोग दूध ज्यादा निकालने के लिए उसको भी इंजेक्शन लगा देते हैं।
आप सच बताइए, ये काम मार्केट के अंदर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, आप हाथ खड़ा करके बताइए। रेज एंड का ऑप्शन भी आता है, जो लोग रेज एंड का ऑप्शन दबाएंगे उससे भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो आप देखिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें मार्केट के अंदर लोग डुप्लीकेट दवाइयां बेची जा रही हैं जो हमारी बॉडी को सीधा इफेक्ट करती हैं। खाने पीने की चीजों में भी बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी सेहत को एक बहुत बड़ा खतरा है। आज हमारा खान पान ही हमारे लिए मौत का कारण बन चुका है। दोस्तों हम क्या करते हैं, हम दोस्तों लोगों को घर घर जाके ऑनलाइन किसी भी तरीके से फोन के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि भैया आज की जो समय चल रहा है इसमें हम अपने और अपने परिवार को स्वस्थ कैसे रखें। इसके लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जागरूक करना है। आप बताइए, आपके जागरूक करने के लिए या करने से, हम सिर्फ लोगों को पानी नहीं बेचते, हम सिर्फ लोगों को ये बताते हैं कि सुबह सुबह अगर आप 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी अपने और अपने फैमिली को पिला देते हैं तो 80 से ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर में आने से रुक जाती हैं, हमारे परिवार स्वस्थ रह सकता है। हमारे घर की जो मसालदानी है, अगर उसमें ही हम खड़े मसाले यूज करते हैं तो वही मसालदानी एक एंटीबायोटिक का काम करती है। क्योंकि पुराने जमाने में हम और आप देखते थे कि हमारे घर में जब खड़े मसाले आते थे, हमारी दादी हमारी मम्मी उसको जब कूटती थी या पड़ोस में कोई कूटता था तो पूरे मोहल्ले में उसकी भस आती थी। आजकल के मसाले सूंघ के चेक करने पड़ते हैं कि ये गरम मसाला है क्या, ये धनिया है क्या, आप मुझे बताइए खुशबू कहाँ चली गई, वो सब केमिकल में चली गई। तो आज हम अगर अपनी थोड़ा सा ध्यान दें, अपनी फैमिलीज में अगर खड़े मसाले यूज करें, गुनगुना पानी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग खाली पेट बच्चों को अपने आप को पिलाना स्टार्ट करें तो बहुत सारी बीमारियों से हम अपने आप को रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों हम लोगों को जागरूक करते हैं कि फोन को कैसे हमें दिन में तो नीड रहती है, रात को सोते समय अपनी बॉडी से दूर रख के बहुत सारी रेडिएशन से अपने और अपने आप को बचा सकते हैं। कैसे हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं कि लो बैटरी पे बात नहीं करनी है, और ज्यादा लंबी बात करें तो आप ईयरफोन का यूज कर रहे हैं जिससे आपकी बॉडी से थोड़ा सा दूर रहे आपका फोन, जिससे कि रेडिएशन का जो 10,000 गुना खतरा हमारी बॉडी पर रहता है उससे हम बच पाएं। क्योंकि आज रेडिएशन बहुत खतरनाक है, जो चीज हमारे लिए आरामदायक है वो हमारे लिए खतरनाक भी है। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आप मुझे बताइए कौन बताता है। आज भी मैं बता रहा हूं जो कोरोना के केसेस आ रहे हैं उसमें भी अगर मैं बताऊं आपको, उन घरों में आप चेक करना जिनके घर में एसी और कूलर और ठंडा पानी पिया जा रहा है, उनके घरों में ये समस्या ज्यादा आ रही है। क्योंकि कूलर ठंडा पानी और एसी हमारी बॉडी के टेम्परेचर को लो कर देता है और हमारी बॉडी को जो अंदर का टेम्परेचर है उसे मैच नहीं कर पाता है। तो ज्यादातर लोग इस टेम्परेचर के मेंटेन को, बैलेंस को मैनेज नहीं कर पाते हैं, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले हम गलत काम कर रहे हैं कि सही काम कर रहे हैं, ये हमें समझना पड़ेगा। अगर हमारे आपके बात करने से, बात तो हम पहले भी कर रहे थे, किसी की बुराई कर रहे थे, किसी के बारे में कर रहे थे, उनको ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, बात तो दुनिया कर रही है, लेकिन आज के बाद हमारी जो बातचीत है वो लोगों के अच्छा करने के लिए, लोगों की सेहत को लेके, और हम जो बात करते हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ गलत काम है अच्छा काम है या बाद में मुझे बताना, लेकिन मैं आपसे जरूर एक 1x1 पूछूंगा। अब अगर आप मुझे बताइए, हम प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और क्या करते हैं, हम अपनी संस्था के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट कितने शानदार हैं दोस्तों। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग जो 10-10 साल से बेड पे थे, हाथ काम नहीं कर रहा, पैर काम नहीं कर रहा, और हमारे थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉक ऑर्थोडॉक को पी के आज वो लोग अपने पैरों पर चल रहे हैं, आज वो स्वस्थ हैं। जिनका हाथ काम नहीं कर रहा था उनका हाथ काम कर रहा है, आज जो 10 साल से खाना नहीं खाए थे अपने हाथ से आज वो खाना खा रहे हैं। ऐसे ऐसे रिजल्ट है कि 13-13 साल की बच्ची जो बचपन से बोली नहीं थी आज हमारे प्रोडक्ट को यूज करके बच्ची बोल रही है। ऐसे रिजल्ट आपको यूट्यूब पे और गूगल पे देखने को मिल जाएंगे। काफी सारे रिजल्ट आप देख भी रहे होंगे लगातार, बहुत सारे रिजल्ट आपने पर्सनली लिए भी होंगे। ऐसे ऐसे लोग जिनका हार्ट ब्लॉकेज था, 66% हार्ट ब्लॉकेज के केस को हम 6% पे लेके आए। ऐसे ऐसे लोग जो कैंसर के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया ले जाओ 2-4 दिन के मेहमान है, वो आज हमारे यहाँ से ठीक हुए। लीवर की अगर हम बात करें तो 80% तक डैमेज लीवर को हम लोगों ने रिकवर किया है। ऐसे ऐसे रिजल्ट आज हम लोग लेके बैठे हैं और आज हजारों नहीं लाखों लोग इसका बेनिफिट ले रहे हैं। तब एक सवाल आता है हम सारे लोगों के मन में कि सर जब रिजल्ट इतने अच्छे है ना, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, काम तो बहुत अच्छा है,
कि सर काम बहुत अच्छा है, जब हम लोगों को अच्छा करने के लिए, लोगों की सेहत के लिए जागरूक कर रहे हैं, काम तो अच्छा है, लेकिन सर गारंटी क्या है कि प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। देखिए हेल्थ सेक्टर में गारंटी तो कहीं भी नहीं मिलती है, ये आप पहले तो आज नोट कर लीजिए। हेल्थ सेक्टर के अंदर चाहे जितने बड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, गारंटी कोई नहीं लेता किसी भी दवाई की, किसी भी डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के अंदर गारंटी नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। लेकिन हम सिर्फ एक बात पे बिलीव करते हैं, वो है रिजल्ट। तो दोस्तों रिजल्ट के बारे में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने रिजल्ट लिए, और हमारी संस्था भी यही बोलती है, यूज द प्रोडक्ट गेट द रिजल्ट देन शेयर विद पीपल। हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप जुड़ जाओ और बेचो, नो, हमारी संस्था बोलती है यूज द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट को यूज कीजिए, गेट द रिजल्ट, रिजल्ट लीजिए, देन शेयर विद पीपल, उसके बाद लोगों से शेयर करिए। अब सवाल एक आता है कि प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा, मेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये हमारे और आपके सबके मन में एक डाउट चलता रहता है सारी चीजें समझने के बाद भी। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, प्रोडक्ट काम 99% नहीं करेगा, हमारा काम 99% नहीं चलेगा, ऐसा हम पहले तो मान लेते हैं, मानने में कुछ नहीं जा रहा। यही मान लिया था महिपाल सर ने, यही मान लिया था शिव कुमार सर ने, यही मान लिया था दिलीप चौबे सर ने, यही मैंने भी मान लिया था कि 99% नहीं चला तो क्या होगा। सबसे पहले आप भी सोचो, 99% नहीं चला तो हमारा लॉस क्या होगा, 99% अगर प्रोडक्ट ने रिजल्ट नहीं दिया तो क्या होगा। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसका साइड इफेक्ट कुछ है नहीं, जो भी होगा हमारी हेल्थ इंप्रूव को कर देगा, हो सकता है उस बीमारी को ठीक ना करे, लेकिन हो सकता है कि उस प्रोडक्ट को यूज करने से शरीर में हो रहे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करे और कुछ ना कुछ तो हेल्थ को लेके इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। काम नहीं चला तो, 99% काम नहीं चला तो क्या हो जाएगा, जिस समस्या के लिए हमने प्रोडक्ट लिया, मान लीजिए किसी ने घुटनों के दर्द का 1.5 लाख रुपए लगने वाला था और हमारे 10,000 रुपए का प्रोडक्ट ले लिए, तो क्या होगा, जहां उसके 1.5 लाख लगने थे वहां 1.60 लग जाएंगे। लेकिन सोच के देखिए, अगर 1% भी हो गया तो दोस्तों, 1% हो गया, रिजल्ट आ गया, तो जिसके 1.5 लाख लगने वाले थे उसके 1,40,000 बचवा दिए आपने, जिसकी हार्ट की बाईपास सर्जरी होने वाली थी 6 लाख लगने वाले थे और आपके 20,000 के प्रोडक्ट पीने से व्यक्ति ठीक हो गया, दोस्तों आपने उसके 5,80,000 रुपए बचवा दिए। SLEPS पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों के पैसे बचवा के पैसे कमाता है, पैसे लगवा के नहीं। दोस्तों 20-30 हजार, 10-15 हजार ये रुपए जो है ना, या तो आप आयुर्वेद को दे दो या बाहर डॉक्टर को दे दो, बाहर डॉक्टर को दे दो, देने तो पड़ेंगे। आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, आज हर फैमिली में 10-15 हजार रुपए साल में डॉक्टर के पास जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कितने लोग मेरी बात से सहमत है, सब जाते हैं, 10-15 हजार रुपए साल में हर फैमिली से जाते हैं, ज्यादा ही जाते होंगे, कम नहीं जाते होंगे, तो ये पैसे तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन हम इस पैसे को अगर कन्वर्ट करके आयुर्वेद की तरफ ले जाते हैं तो ना सिर्फ हमारा पैसा बचेगा, बल्कि बहुत सारे जो एलोपैथी के साइड इफेक्ट हैं उससे हम अपनी बॉडी और अपने परिवार की सदस्य उनकी बॉडी को बचा सकते हैं, साथ ही साथ इसके प्रमोट करके आगे बिजनेस भी चला सकते हैं। सोच के देखिए, 1% भी अगर बिजनेस चल गया तो, नहीं चला तो कुछ नहीं जाएगा, चल गया तो, और 1% पे भी अगर हम भरोसा करके काम करते हैं तो दोस्तों 1% भरोसा मुझे था, आज महीने का 1-1.25 लाख रुपए कमा रहा हूँ और अगले महीने से 2 लाख पे पहुंचाऊंगा। आज हमारे गुरुजी 5-10 लाख रुपए कमा रहे हैं, आज महिपाल सर लाखों रुपए कमा रहे हैं, 40-50 लाख, अनुज शर्मा जी कमा रहे हैं, अमित दुबे जी कमा रहे हैं, ढेरों लोग हैं, मैं किन किन का नाम लूं आपसे। तो अब सवाल ही आता है, यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। तो अब सवाल ही आता है कि चलिए ठीक है सर, आप कह रहे हैं प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है, फिर ये कंपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए, प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए हमसे क्यों बोल रही है? अगर कंपनी के प्रोडक्ट इतने ही अच्छे हैं तो डायरेक्ट लोगों को बेचे मार्केट में, हमें क्यों बता रही है?
बताइए आप मुझे, ऐसा सवाल हमारे और आपके मन में जरूर आता है, लोग हमसे सवाल जरूर करते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट तुम बता रहे हो रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो आप हमें क्यों बता रहे हो? आपके प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएंगे, फिर आपको तारीफ करने की क्या जरूरत है? तो सवाल यही आता है कि जब प्रोडक्ट के रिजल्ट इतने अच्छे हैं तो फिर हमसे क्यों बोला जा रहा है? तो इसका जवाब मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन दूर रहे और आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो और हम काम को बड़ी अच्छे तरीके से कर पाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी संस्था ने आज करोड़ों रुपए लगाया हुआ है, खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाई हुआ है, 100 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने पे हमारी कंपनी फोकस कर रही है, हमारा पूरा सिस्टम इतना अपडेट है कि कभी भी हमारे प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक नहीं होते, हर प्रोडक्ट कंपनी में अवेलेबल रहता है, इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जा रहा है, इस क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है, हर चीज को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा रहा है। जब करोड़ों रुपए कंपनी अपने मैनेजमेंट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगा सकती है, तो क्या कंपनी के पास 2-4 करोड़ और एक्स्ट्रा नहीं है जो गोविंदा शाहरुख खान अमिताभ बच्चन या जो भी टीवी एक्टर या सेलिब्रिटी है उनको 2-4 करोड़ रुपए दे के ऐड नहीं करा सकते क्या कंपनी में, हमारे एमडी साहब या हमारा कंपनी का मैनेजमेंट? बिल्कुल करा सकता है। फिर ये मौका हमें ही क्यों दिया? क्योंकि हमारी संस्था एक बात जानती है कि मार्केट के अंदर जो भी प्रोडक्ट का एड टीवी पे या प्रचार किया जाता है वो सही नहीं है। आज गोविंदा अमिताभ बच्चन शाहरुख खान जो टीवी पे एड करते हैं और आपने देखा है, आपने देखा है कि आज कोका कोला का एड आता है और आपने देखा है और बोलते हैं कोका कोला पीजिए और लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं, आप कोका कोला मैं पिला रहा हूं आप छज्जे से कूद के दिखाइए कितने लोग कूदने के लिए तैयार है। दोस्तों ऐसे ऐसे टीवी पे एड आते हैं कि लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां, सच बताइए अगर लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती आ जाती तो भैंस पालने की जरूरत थी, एमबीबीएस डॉक्टर की जरूरत थी? डॉक्टर के पास जाते बोले साहब ये तंदुरुस्ती कम हो रही है, इनको भूख नहीं लग रही है, दिक्कत है, वो लाइफ बॉय निकालते, बोले लाइफ बॉय ले जाइए, लाइफ बॉय है जहां तंदुरुस्ती है वहां। एक बाप अपने बेटे से कहता बोले सेहत बनाना है तुझे भर्ती होना है, तो बेटा दौड़ के जाता पापा ले आया मैं लाइफ बॉय अब तंदुरुस्ती बनेगी, कितने लोगों को लगता है कि लाइफ बॉय से तंदुरुस्ती बन जाएगी? एड आता है कि नहीं आता है? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि आज हमारी संस्था ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी हम लोगों को ही मौका क्यों दिया, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संस्था जानती है कि एक ही प्लेटफॉर्म है जो सही बोलता है वो अपनों का प्लेटफॉर्म है, अपनों का, अपना आदमी अपने के साथ कभी गलत नहीं होने देगा, इसीलिए आज हमारी संस्था माउथ टू माउथ काम कर रही है। दोस्त मैं आपसे जानना चाहता हूं, मेरी अभी मेरे सामने मान लीजिए संजीव सर आ रहे हैं, संजीव सर आपसे एक सवाल है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज है और आपने प्रोडक्ट दिया और रिजल्ट नहीं आया, क्या आप किसी और को प्रोडक्ट के बारे में फिर बताएंगे? आप हाथ से ही बताइए, नहीं बताएंगे। सर इशारा कर रहे हैं कि सर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। दोस्त यही तो अपनापन है कि अगर कोई प्रोडक्ट या कोई चीज हमें फायदा नहीं करती हम कभी भी उसके बारे में दूसरे को नहीं बताते हैं। अगला सवाल हमारे सामने सुरेंद्र सर आ रहे हैं, इनसे है कि सुरेंद्र सर की माता जी को घुटनों में दर्द है और उनका दर्द ठीक हो गया, तो क्या सुरेंद्र सर को हम पैसे देने पड़ेंगे बताने के लिए? या फिर इससे पहले हमने संजीव सर को बताया, संजीव सर को प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया डायबिटीज का, संजीव सर को हम 1,00,000 रुपए दे दें, क्या ये झूठ बोलेंगे कि सर आपको तारीफ करनी है, आप 1,00,000 ले लो, आप 2,00,000 ले लो? अरे संजीव सर हो या कोई भी सर हो, कोई भी व्यक्ति जो आम इंसान है कभी झूठ नहीं बोलेगा, किसी की सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा कभी भी। इस बात की 100% मैं गारंटी लेता हूं कि हम लोग अपना नुकसान कर सकते हैं लेकिन कभी दूसरे का नुकसान नहीं होने देंगे, ये हम और आप एक आम इंसान एक आम परिवार की धारणा है। इसलिए हम और आप आज कहीं ना कहीं उस स्पीड से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस दिन हमारे और आपके अंदर ये बात निकल जाएगी, क्योंकि पैसा कमाने के लिए कुछ नहीं करना, आदमी अपना ईमान बेचना चालू कर दे, अपनी नीयत खोटी कर ले, पैसे की कोई कमी नहीं है, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? आज हम और आप अगर संघर्ष कर रहे हैं, आज हमारे और आपके सामने अगर पैसे का चैलेंज है, जिसका सबसे बड़ा कारण है हम मिडिल क्लास के जितने लोग हैं, हम लोग जितने आम लोग हैं, हमारे घर में परिवार में एक ही बात सिखाई गई है, बेटा 1 रुपया भी कमाना इज्जत से कमाना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी के साथ गलत नहीं करना है,
इसलिए आज हम और आप सिर्फ और सिर्फ एक मिडिल क्लास एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। अगर पैसे जिन लोगों ने बनाए हैं ज्यादातर अगर हम देखें सबको पता है किसने कैसे पैसे बनाए, लेकिन ईमानदारी के साथ में पैसे कमाने का, ईमानदारी के साथ में लोगों की मदद करने का अगर कोई प्लेटफॉर्म है वो आज आपको मिल चुका है, क्योंकि ऊपर वाले ने आपकी ईमानदारी को देख के आज SLPS के अंदर आपको डिसीजन लेने की पावर दी और आप ले पाए। आज भी बहुत सारे लोग SLPS के अंदर प्लान देखने के बाद डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि आज भी उनके अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी है, कहीं ना कहीं उनके अंदर लालच है, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक गलत भावना है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। दिखने में लोग सब एक जैसे लगते हैं लेकिन अंदर भावना क्या चल रही है ये किसी को नहीं दिखती है, इसकी नीयत क्या है ये किसी को दिखाई नहीं देती, क्योंकि नीयत चेक करने का कोई मीटर आज तक बना नहीं है। तो दोस्तों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमें जो मौका मिला है हम अपनों के प्लेटफॉर्म पे संस्था के माध्यम से काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम किन्हें लेके आते हैं, किन्हें ज्वाइन कराते हैं जो हमारे अपने होते हैं, और अपनों को हम तभी बताते हैं जब हमें भरोसा होता है प्रोडक्ट के रिजल्ट पे। अब सवाल ये आता है क्या जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जब हम हेल्थ अवेयरनेस की बात करते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम सेकंड प्लान पे आते हैं गोले के नीचे गोला बनाते हैं तुरंत लोगों का नजरिया हमारे बारे में बदल जाता है, बोले अच्छा ये तो वही फंसाने वाला काम है, अभी तक तो सही था अब तो ये फंसाने वाले काम को बता रहे हैं हमें। कितने लोग मेरी बात से सहमत है, हाथ खड़ा करके बताइए। जैसे ही हम हेल्थ अवेयरनेस और प्रोडक्ट प्लान के बाद सेकंड प्लान पे पहुंचते हैं और जैसे ही हम बताते हैं आप ज्वाइन करेंगे तो आपको मिलेगी यू की जगह, और आप दो लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो आपको यहाँ पे टीम बनना स्टार्ट हो जाती है। अच्छा आदमी बोलता है एक के नीचे दो, दो के नीचे चार, वही वाला है अच्छा चैन सिस्टम जोड़ने वाला, अच्छा वही फंसाने वाला है ये फंसाने वाला, अरे सर आप पहले ही बता देते फंसाने वाला है, उसको वो हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट की नॉलेज सब साइड हो जाती है, आदमी को सिर्फ ये दिखाई देता है हमें फंसाना है फंसाया जा रहा है। इतनी अंदर तक लोगों की नेगेटिविटी भरी हुई है, कितने लोग मेरी बात से सहमत है हाथ खड़ा करके बताए, क्या बात है, मतलब सब लोग हमारे जैसे हैं, सब भुक्तभोगी हैं इसका मतलब, क्या बात है। चलिए इसका सॉल्यूशन भी आज मैं आपको दे रहा हूं, इसका सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमें अपनी इस सेकंड प्लान के बाद में क्लोजिंग अच्छी करनी पड़ेगी। जो बातें मैं अभी बता रहा हूं आपको ये बातें प्लान क्लोज करने के बाद आपको 10 मिनट में शेयर करनी है, दोबारा से मैं आपको कनेक्ट करूंगा उस बात के लिए कैसे शेयर करनी है, अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले क्लियर हो जाओ। तो सबसे पहला यही सवाल आपको लोगों को भी करना है क्लोजिंग के दौरान कि भैया अभी हेल्थ अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के बाद जब हम एक के नीचे दो टीम बनाने की बात करते हैं तो लोगों को लगता है ये तो वही फंसाने वाला काम है, ये धारणा चली चली आ रही है। लेकिन सर आप मुझे बताइए जो व्यक्ति हमें लेके आया बोले अच्छा 1000 अपने कमाने के चक्कर में हमें फंसा रहे हो, बोले सर ईमानदारी से बताइए हर इंसान जिसको भी बताता है उसकी एक फेस वैल्यू होती है, अपनी एक इमेज होती है। मैं आपसे सवाल करता हूं सर क्या आप 500 रुपए के लिए अपनी इमेज खराब कराना चाहेंगे, सवाल है आपसे। मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूं 200 लोग हमारे साथ में, क्या आप 500-1000 रुपए के लिए अपनी इमेज खराब करना चाहेंगे, नो जवाब आ रहा है नो नहीं करना चाहेंगे दोस्त। तो फिर जो व्यक्ति हमें लेके आया है वो कौन है, मैं आपको बता देना चाहता हूं या आपको भी बताना है लोगों को कि जो व्यक्ति हमें ज्वाइन करा रहा है या हमें लेके आया है जिसने हमें प्रोग्राम दिखवाया है वो 1500 के लालच में नहीं आया है, उसने प्रोडक्ट आपसे पहले लिया है यूज किया उसको फायदा मिला है, उसके मन में कोई लालच नहीं है, उसके मन में कोई बात नहीं है, उसके मन में सिर्फ एक बात है कि अगर हमें फायदा मिला है तो हमारे अपनों को भी उनकी हेल्थ अच्छी करने का पैसा कमाने का वो फायदा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर आपको अमृत मिलता है तो आप सबसे पहले किसको देंगे, अपनों को देंगे ना कि बाहर वालों को। आज ये संस्था एज ए अमृत है और ये अमृत अगर आपको मिल चुका है तो हमें अपनों को पूरे विश्वास के साथ में देना चाहिए। अपने भी अपने शक कब करते हैं जब हम 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो दोस्तों एक ही बात कहना चाहूंगा जब भी ऐसी कोई बात आए आप भी आपसे भी ये बात बोलना चाहूंगा कि हम और आप यहाँ 1500 के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम एक दिन के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक दूसरे से रिश्ते बना रहे हैं इसके लिए कि हम आगे बहुत बड़ा काम कर पाए। और आज हिंदुस्तान में इतनी पब्लिक है, इतने लोग हैं, आज हर घर में कोई ना कोई बीमार है और हर घर में कोई ना कोई बेरोजगार है, और कोविड जैसी सिचुएशन में हेल्थ और वेल्थ दोनों की लोगों को जरूरत है, वो भी घर बैठे।
तो दोस्तों बधाई हो, आपके पास में एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से घर बैठे आप लोगों को अपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा, अपने प्रोडक्ट नॉलेज के द्वारा लोगों को हेल्प कर सकते हैं, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से, उनकी नीड के हिसाब से प्रोडक्ट दिलवा सकते हैं, और प्लेटफॉर्म की नीड है तो उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म आज हमारे पास में है। मुझे लग रहा है कि आप तक मेरी बात जरूर पहुंच रही होगी। अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर वो तो बात सही है, लेकिन 15,000 कौन लगाए? ये स्वर्णो हमारे मन में ये डाउट चलता है कि सर मैं बता तो दूं, सामने वाला 15,000 देगा ही नहीं, सर उस पर कहां से आएंगे? सर कोई नहीं देता 15,000। जब तक हमारे मन में ये डाउट चलता रहेगा तो हम किसी से कॉन्फिडेंस के साथ बोल कैसे पाएंगे? प्रॉब्लम इज दैट हम ही क्लियर नहीं है, हम ही सेटिस्फाई नहीं कि अगर हम किसी से 15,000 ले रहे हैं तो सही ले रहे हैं कि गलत ले रहे हैं। प्रॉब्लम इज दैट। और अगर हम कॉन्फिडेंट हैं और हमें लग रहा है कि हम गलत नहीं कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, तो फिर हमें डर किस बात का? चलिए अब हम 15,000 की बात कर लेते हैं। अगर हमने किसी के 15,000 बचवा भी दिए तो क्या होगा? पूरे साल में कोई ना कोई इसके घर में ऐसी प्रॉब्लम आएगी जहां उसे 15,000 देने पड़ेंगे, या तो याद आयुर्वेद में दिलवा दो या फिर डॉक्टर के पास देने पड़ेंगे। देने तो पड़ेंगे। चलो नहीं देने पड़े तो क्या हो जाएगा? 15,000 बचवा दो। 15,000 अगर बचवा के क्या करवा सकते हैं? FD करवा दो। 15,000 की FD 8 साल के अंदर डबल होगी, 30,000 हो जाएंगे। 8 साल के बाद में जो आज आपकी जरूरतें हैं वो बढ़ेंगी कम होंगी? 8 साल में 30,000 रुपए से आप क्या क्या कर लेंगे? क्या बच्चों की शादी हो जाएगी? क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाएगी? घर आ जाएगा? गाड़ी आ जाएगी? नीड पूरी हो जाएगी? बताइए आप मुझे, कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हमने यही 15,000 पूरा भरोसा देके कि सर आप चिंता नहीं करिए, मैं आपके साथ में हूं, आप स्टार्ट करिए, आपको भरोसा नहीं है, 1% भरोसा करिए, 99% नहीं है, 99% किसी को नहीं था, हमें भी नहीं था, लेकिन आज मैंने भरोसा किया, अभी मेरे पास में मैंने 15,000 लगाया था, आज महीने का 15,000 आ रहा है मेरे पास। एक भरोसा कौन देगा? हमें देना पड़ेगा। कंपनी कोई देखने नहीं गया, लोग हमको देखते हैं, और हम ही जब कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, हम ही जब क्लियर नहीं होते हैं, तो फिर प्रॉब्लम तो आना स्वाभाविक है। तो आपको बताना पड़ेगा, उसको 15,000 की तुलना करके बताना पड़ेगा कि लाइफ में 15,000 की वैल्यू क्या है, और आज अगर वो उन्होंने इस प्लेटफॉर्म पे लगाया तो मिलेगा क्या, और नहीं लगाया तो बचेगा क्या? इस कंपैरिजन को कौन करके बताएगा? मेरा आपसे एक सवाल है, क्या हम कंपैरिजन करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। लेकिन दोस्त हमें करना पड़ेगा। तो ये वो बातें हैं कि हम किसी को लालच में ज्वाइन नहीं करा रहे दोस्तों, ये सारी क्लोजिंग के जो पार्ट है। अब सवाल एक और आता है, ये देखिए मैं वो बातें बता रहा हूँ कि आदमी ज्वाइन क्यों करे जब तक उसके माइंड में एक भी कंफ्यूजन रहेगी, काम नहीं करेगा। आप भी काम नहीं कर रहे थे क्योंकि आपके मन में बहुत सारे कंफ्यूजन थे जो आज शायद दूर हो रहे होंगे। दूसरा सवाल ये आता है कि चलो सर 15,000 लगा तो देंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप करो नहीं करो वो च्वाइस आपकी है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लगा दो, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास ऑप्शन क्या है? नौकरी? आज नौकरी में या नौकरी वाले प्लेटफॉर्म में इतनी ताकत नहीं है कि जो हमारी सारी जरूरतों को पूरा कर सके। नौकरी सिर्फ ये जीने देगी नहीं, मरने देगी नहीं, बस नौकरी का इतना काम है, और आज तो वो भी नहीं मिल रही है, और है वो भी जा रही है कोविड की वजह से। दूसरा है बिजनेस, व्यापार में आज हम और आप देख रहे हैं कि व्यापार में आप जितना पैसा लगाएंगे उसके बाद आपकी कामयाबी के चांस स्टार्ट होंगे। रिस्क बहुत है, टैलेंट चाहिए, कंपटीशन बहुत है, तो हर व्यक्ति मार्केट में बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के पास लाखों रुपए नहीं है, करोड़ों रुपए नहीं है। तो जब ऊपर वाले ने हमें ये मौका दिया, हाँ नौकरी नहीं मिल रही सर, जब हमें ऊपर वाले ने मौका दिया सिर्फ अपनी वैल्यू जानने का, लोगों की नहीं, लोगों ने तो हमारी वैल्यू कितनी लगाई है। आज कोई MA करके जाता तो ज्यादा से ज्यादा 15,000, डबल MA है तो 18,000, 3,000 बढ़ाने के लिए आदमी 2 साल खराब करता है। ये वैल्यू है यार। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज हमें फ्री ऑफ कॉस्ट, आपकी एजुकेशन क्या है यहाँ नहीं पूछा जाता, आपकी एज क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं पूछा जाता, या सिर्फ एक बात पूछी जाती है, क्या आप कामयाब होना चाहते हैं?
क्या आप लोगों की मदद करना चाहते हैं? अगर आपके अंदर लोगों के प्रति भावनाएं हैं, इमोशन है, मदद करने का अंदर से मन है, तो आप इस बिजनेस में 100% कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों ये हमें करना पड़ेगा। तो लास्ट सवाल मेरा आपसे ये है कि काम अच्छा है, काम अच्छा है, कितने लोग मानते हैं काम अच्छा है? हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत बढ़िया। दूसरा सवाल आपसे ये, आप सारे लोग अच्छे हैं, कितने लोग मानते हैं हाँ मैं अच्छा हूं? मैं सबके कैमरे चेक कर रहा हूँ, हाथ खड़ा करके देख रहा हूं। जब काम अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा काम करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कितने लोगों को लगता है कि डिसीजन लेना चाहिए? हाथ खड़ा करके। जब काम अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो अच्छे आदमी को अच्छा काम करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए। तन मन धन पूरे तरीके से इस काम को करना चाहिए और करना ही चाहिए। और मैं पहले दिन से कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ये काम बहुत अच्छा है और मैं बहुत अच्छा हूं। इस दोनों चीजों को मैं पहले दिन से जानता हूं, महागुरु जी जानते हैं। इसलिए हम और महागुरु जी, जितने भी सीनियर आपके लोग हैं, जितने भी लोग आज एक्टिवली काम कर रहे हैं, वो आप भी हो सकते हैं। आप जब तक ये नहीं मानेंगे काम अच्छा है और मैं अच्छा हूं, तब तक आपका काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति आपको और आपके काम को, आपके आपका खुद के प्रति कितना भरोसा है और काम के कितना भरोसा है, इसके ऊपर क्लोजिंग डिपेंड करती है। तो दोस्तों आज के बाद अब जब आप प्लान दिखाएं, प्लान में ज्यादा टाइम नहीं लगाएं, क्योंकि प्लान में जब आप टीम की बात करेंगे, सेकंड प्लान दिखाएंगे, तो लोगों के मन में सवाल आएंगे। प्लान 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म करिए और उसके बाद 10 मिनट लोगों से क्लोजिंग करिए। आज के बाद ये 5 सवाल हैं जिसपे आपको लोगों से डिस्कस करना है क्लोजिंग के टाइम, और लास्ट में यही सवाल पूछना है कि सर काम अच्छा है, ये उनको एहसास करा दो, आप अच्छे हैं और एहसास करा दो। लास्ट सवाल पूछो, सर जब काम अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा काम करने का डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आप मत बोलो कि सर आप डिसीजन ले लिए, आप सवाल पूछिए। आज के बाद कितने लोग क्लोजिंग कर पाएंगे इस तरीके से? प्लान दिखाने के बाद अगर आपकी क्लोजिंग अच्छी नहीं है, प्लान दिखाने के बाद वो 10 मिनट की बातचीत अगर आपकी सही नहीं है, आपको ज्वाइनिंग नहीं आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, प्लान दिखा देते हैं, बोले कैसा लगा, बहुत बढ़िया, चलो सर शुरुआत करो। आदमी बोलता है अब सोचेंगे, अभी तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरे मौसा ने किया था, मेरे फूफा ने किया था। दोस्तों हमें एक्स्ट्रा लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आज से पहले मैं भी आपको बताता था कि प्लान दिखा दो, क्लोजिंग क्वेश्चन कर लो और आप बस ठीक है। दोस्तों नहीं हो रहा है, ज्वाइनिंग नहीं आ रही है, हमें बात करनी पड़ेगी, लोगों के डाउट दूर करने पड़ेंगे, लोगों के कन्फ्यूजन को ऑलरेडी क्लियर करना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा कि लोगों के कन्फ्यूजन है, नहीं है कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन है, लोगों के कन्फ्यूजन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। प्लान दिखाने के बाद आप एक बात बोलिए कि सर मुझे अच्छे से पता है कि प्लान बहुत अच्छा लगा है आपको, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप इसमें डिसीजन लें, काम को करें, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन मैं सर आपसे कुछ 10 मिनट बात करना चाहता हूं कि हम करते क्या है और ये काम को किस कौन लोग करते हैं और किसको करना चाहिए। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनसे जब अगर ग्रुप प्लान कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, 1-to-1 कहीं बात कर रहे हैं, तो भी आप उनसे बोल सकते हैं, बताइए सर दुनिया में दो तरीके काम होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। सर हम बुरे बात काम की बात नहीं करें, हम अच्छे काम की बात करेंगे। बुरे काम में अगर हम देखें तो आज सर लोग क्या क्या कर रहे हैं, लोगों के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सारी बातें आप कर लोगे कि क्या क्या मिलावट चल रही है, कैसे कैसे हो रहा है। अच्छे काम की अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं वो आप बताइए, कि हम लोगों को ये बताते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। तो सर जब मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं और ऐसे ऐसे रिजल्ट आए हैं, तो सर आपके मन में अगला सवाल ये आ रहा होगा कि जब आपके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं तो क्या गारंटी है कि प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ पे आप फिर एक लाइन बता दी, क्योंकि डाउट है लोगों की, काम अच्छा है कि नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, जब इतना ही अच्छा है तो हमसे क्यों बोला जा रहा है, यस और नो, और कहीं मुझे 1500 के चक्कर में फंसाया तो नहीं जा रहा है, इससे बढ़िया तो मेरी नौकरी है, इससे बढ़िया तो मैं कोई और बिजनेस कर लूंगा, मैं इसी को क्यों करूं। ऐसे सवाल हर व्यक्ति के मन में प्लान देखने के बाद तुरंत आते ही आते हैं। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं, हाथ खड़ा करके बताइए। जब तक इन सवालों को आप क्लियर नहीं करेंगे, क्यों ज्वाइनिंग देगा कोई भाई, ये बताइए। हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी।
और जिन लोगों को ये बात नोट करी है नोट कर लीजिए, नहीं करिए तो आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, दोबारा से 20 बार सुन लेना हमारे इस आज के सेशन को, बार बार सुनना और समझना कि मुझे कैसे करना है। चलिए मैं आगे चलता हूं। तो ये क्लोजिंग हमारी होनी चाहिए और ये बातें हमें 10 मिनट में करके लोगों को क्लियर करना है। लास्ट में एक सवाल करना है कि सर काम अच्छा है, क्योंकि हमें एहसास कराना है अपनी बातों से काम बहुत अच्छा है, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को तो बुरा बताएगा नहीं। बोले सर जब आप अच्छे हैं और काम अच्छा है तो सर मुझे आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, एक अच्छे काम को एक अच्छे व्यक्ति को करने का डिसीजन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? तो आपको क्या लगता है, कोई बोलेगा नहीं लेना चाहिए? जैसे ही बोले हाँ सर लेना चाहिए, तुरंत हाथ मिलाओ, सर बधाई हो, सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, सर आपने एक अच्छे काम को करने का डिसीजन लिया, चलिए सर फॉर्म भरते हैं, चलिए सर आपका बिल बनाते हैं, यहां से आपकी क्लोजिंग एंड होगी। अब सवाल ये आता है कि सर उसके बावजूद भी लोग बोलते हैं ठीक है सर सब कुछ बढ़िया है सर, मैं अब आपको जो है बिल बना दीजिए, बिल बन गया। बोले सर ऐसा करिए, अब हमारी डीडी पेंडिंग क्यों होती है उस पर बात कर लेते हैं, पाइप में क्यों फंसती है? हमने किसी से बात करी, वो व्यक्ति तैयार हो गया, बोले ठीक है सर आपका ये ज्वाइनिंग क्लियर हो गई, सर मैं सर पेमेंट करवाइए आप लोग, और हम पूछते हैं सर कैश करेंगे ऑनलाइन करेंगे? बोले सर आज तो नहीं है, ऐसा करिए सर मैं आपको 4 दिन बाद आपको ज्वाइनिंग करवा दूंगा, सर अभी पैसे की व्यवस्था नहीं, आ जाएंगे फिर मैं करवाता हूँ। दोस्तों जैसे ही लोग हमें टाइम देते हैं आगे का कुछ भी, तो हम क्या करते हैं तुरंत जो है बात को मान लेते हैं, बोले ओके सर ठीक है, क्या बोलते हैं ठीक है सर आप 4 दिन में करवा देना। और इधर जैसे ही फोन आता है अपलाइन का, हाँ सर क्या आज की वर्किंग रही, क्या रिपोर्ट रही? बोले सर डन हो गई सर, 200 एसपी डन हो गई। और क्लोजिंग जब होती है बोले सर हुई नहीं आपकी तो 0 चली गई। अरे सर वो 200 एसपी आने थे वो सर पेंडिंग हो गए। क्या हो गए सर? आने तो थे पेंडिंग हो गए। कितने लोगों के साथ में ऐसा हो रहा है, हाथ खड़ा करके बताइए, क्या बात? लगभग जितने भी लोग एक्टिव हैं वो सबके साथ ऐसा होता ही। दोस्तों यहाँ पे हमें एक काम करना है, आज के बाद नहीं करते थे कोई बात नहीं, हम जब भी किसी से क्लियर करते हैं कि सर आपकी ज्वाइनिंग कब आएगी, और लोग जब हमें टाइम देते हैं, तो हमें आज के बाद एक सवाल और करना है। सर आपने बोल तो दिया सर आप 4 दिन बाद कर देंगे, सर आपसे मेरी एक इजाजत चाहिए, सर अगर बुरा ना माने तो सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4 दिन बाद सर जो आप ज्वाइनिंग करेंगे और हमें जो बैलेंस देंगे वो सर कहाँ से देंगे? आप दो जवाब आने के चांस है। बोले सर मैं कहीं से भी दूं, मैं आपको दूंगा। नहीं सर वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जब अगर ये जवाब आए तो ये बोलना है कि सर वो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कुछ और भी ज्वाइनिंग आनी थी मेरे साथ में, और उनकी सीनियरिटी का बेनिफिट आपको मिलने वाला था, तो मैं इसलिए कंफर्म कर रहा था कि कहीं आपकी ज्वाइनिंग लेट तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि मैं ज्यादा किसी को डिले नहीं कर सकता। और वो व्यक्ति कंफर्म कर देता सर कहीं से भी लाऊं मैं आपको 4 दिन बाद ही ज्वाइनिंग 100% दे दूंगा, सर आप चिंता नहीं करिए, वो मेरी हेडेक है। अगर इतना कोई व्यक्ति बोल देता तो समझ जाइए ये करके रहेगा। दूसरा जवाब आपको ये मिलेगा कि सर वो 4 दिन बाद मेरी सैलरी आ रही है, मेरी सैलरी आते ही मैं आपको ज्वाइनिंग दे दूंगा। दोस्तों यही काम हम नहीं करते थे, आज के बाद करना है। बोले सर बहुत बहुत बधाई हो सर सैलरी आ जाएगी, लेकिन सर मेरा एक छोटा सवाल है आपसे, मान लीजिए अगर आपकी सैलरी नहीं आई तो तब आप क्या करेंगे? ये सवाल आपको आज के बाद करना है। कोई बोलता है सर मुझे एक जगह से मिलने वाले हैं पैसे, वो मिल जाएंगे वैसे ही मैं आपको दे दूंगा, तो आप पूछिए सर जहां से मिलने वाले हैं वहां से सर परसों नहीं मिले तो? जो काम नहीं होने वाला है बाद भविष्य में उसमें निगेटिव हो सकता है, वो आज ही कर लो ना। वो दोबारा व्यक्ति फोन उठाए नहीं उठाए, मिले नहीं मिले, आज ही क्लियर कर लो भाई। आप जवाब एक आएगा कि सर सैलरी नहीं आए तो सर क्या बताऊं फिर, तो जो होगा वो देखेंगे। सर वहां से पैसे नहीं मिले तो फिर क्या बताऊं सर, फिर तो जो होगा वो देखेंगे। तो आप उनको फिर एक बात बोलिए कि सर देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस बिजनेस के अंदर सारी चीजें एक तरफ और सीनियरिटी का बेनिफिट एक तरफ। दुनिया में सर हर जगह सीनियर बनने के लिए आदमी को बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत लोगों के पीछे पीछे घूमना पड़ता है कि सर हमें सीनियर बना दीजिए, बहुत लोगों को पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, बहुत टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ते हैं, तब एक व्यक्ति सीनियर बन पाता है।
लेकिन हमारे इस बिजनेस के अंदर सर सिर्फ सही समय पर डिसीजन लेके कोई भी आदमी किसी का सीनियर बन जाता है। सर अगले 4 दिन के अंदर अगर हमारे साथ में जो भी लोग आने वाले हैं वो आपसे बाद में ही आएंगे, उन सबके सीनियर बनने का मौका आपके पास में है। सर मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, क्योंकि 4 दिन बाद आप करेंगे तो भी इतना ही अमाउंट देना पड़ेगा, आज करेंगे तो भी करेंगे, और सर ये 4 दिन बाद आपका जो पेमेंट आने वाला है क्यों ना ऐसा आप करें, कैसा रहेगा कि सर ये मैनेजमेंट अगर आज ही कर लें तो सीनियरिटी का भी फायदा मिलेगा, और आपका वो पेमेंट अगर थोड़ा लेट भी होता है तो जहां से आप व्यवस्था करें वहां से वहां क्लियर कर दें, क्योंकि सर वो पेमेंट कहीं भी लेट होगा तो आपका नुकसान कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ अगर आपने पेमेंट लेट किया तो आपका करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। तो सर क्या एक समझदार आदमी को करोड़ों रुपए का नुकसान करना चाहिए? कैसे करोड़ों रुपए का नुकसान है वो मैं जरूर आपको बताऊंगा। सर अगर मान लीजिए आपने डिसीजन नहीं लिया और आपकी सैलरी लेट हो गई और आप ज्वाइन नहीं हो पाए, क्या पता कोई दिलीप महागुरु जी जैसा कोई व्यक्ति सर आ गया और आपके ज्वाइन ना होने की वजह से वो आपका सीनियर बन गया और वो 1 करोड़ रुपए कमाता है, तो सर आपका 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास मौका था सीनियर बनने का। अगर आप सीनियर बन जाते तो वो 1 करोड़ रुपए कमाने से पहले आपको 1 करोड़ रुपए कमा के देने वाला था, लेकिन आपने सर डिसीजन ना ले पाने की वजह से वो व्यक्ति आपका सीनियर बन जाएगा और आप जूनियर बन जाएंगे। लेकिन वहीं आज अगर आप डिसीजन लेते हैं और सीनियर बनते हैं तो व्यक्ति भले ही मेरे द्वारा लाया गया है, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके डाउन में आएगा, जब जब काम करेगा, उसके पूरा काम करने का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, एक समझदार आदमी को सर फायदा लेना चाहिए कि अपना नुकसान करना है? दोस्तों कोई भी हमें व्यक्ति अपना टाइम देता है तो हमें जरूर पूछना है कि वो पैसा देगा कहां से, क्योंकि हम सिर्फ लोगों से ये तो पूछ लेते हैं कब दोगे, लेकिन ये नहीं पूछते कैसे दोगे। हमें बात करनी है, उनको बताना है कि सर हम 1 दिन के लिए ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, सर हम आपका साथ देने के लिए आए हैं, यहाँ पे हम आपको पैसे कमाने के लिए आए हैं, हम आपसे 500 कमाने के लिए नहीं आए हैं। सर मेरा फर्ज बनता है कि आप जो व्यवस्था कर रहे हैं, आप पैसे का इंतजाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उस चीज के लिए परेशान हो रहे हैं, सर आप मुझे बताइए, हम आपको बहुत जल्दी कहीं ना कहीं काम करके आपकी इनकम करवाएंगे और जो आपकी दिक्कत है उसको दूर करवाएंगे। आज सर इतने दिन काम करने के बावजूद भी आपको 10-20 हजार रुपए के लिए सोचना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? दोस्तों हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, बस कोई कमाने वाला चाहिए। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। आप जाके किसी का हाथ तो पकड़िए, बोलिए सर मैं आपके साथ हूँ, सर आप मेरा अपना हाथ दीजिए, सर मैं आपको 20 हजार रुपए महीने कमाऊंगा, क्या आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? कौन सा ऐसा व्यक्ति है बोलेगा अच्छा मेरे को 20 हजार रुपए महीने कमाने के लिए बोल रहा है, मैं क्यों नहीं साथ दूंगा? बोले सर आप मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं तो बैठिए सर, बताइए आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, सर लिखवाइए और पूछिए सर, बनाइए सर अपने 20 लोगों की लिस्ट नियर डियर की, जो आपको जानते हैं, जिनको आपको लगता है कि आपके बात करने से, आपके बताने से वो लोग आपकी बात मान लेंगे, ऐसे 20 लोगों के नाम लिखिए नियर डियर में, 20 लोगों के नाम लिखवाइए। बोले सर इनको नॉलेज मैं दूंगा, भरोसा आपको देना है, और 10 ज्वाइनिंग निकालेंगे और आपका 2 लेवल इसी हफ्ते करवा के आपका 10 हजार का चेक करवाएंगे। ये बात हमें करनी पड़ेगी, नए आदमी को नहीं पता, नया व्यक्ति तो एक बच्चे की तरह है, उसको नहीं पता, लेकिन एक बाप ही होता है जो बच्चे को हाथ पकड़ के कॉलेज और स्कूल में ले जाता है। दोस्तों हमें ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। आज के बाद हमारी जो पाइप में ज्वाइनिंग फंस रही है, फंसने नहीं देना है, हमें इतनी अच्छी क्लोजिंग करनी है, लोगों को इतना क्लियर करना है कि लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे। लोग ज्वाइनिंग इसलिए नहीं देते, लोग घुमाते हैं और हम घूमते रहते हैं। लोग बोलते हैं 4 दिन बाद दे देंगे, 4 दिन बाद फिर फोन नहीं उठाते, आप जाते बोलते 5 दिन बाद दे देंगे। दोस्तों ये सिर्फ लोग घुमाने का काम कर रहे हैं। एक बार बैठ के तसल्ली से आदमी का बिल्कुल एक एक क्वेश्चन क्लियर कर दो, आदमी या तो ज्वाइन हो जाएगा या फिर मना कर देगा। ये बीच वाला काम बड़ा गड़बड़ है, और मना करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ऐसे सवाल हैं जो हम लोगों से करें तो उनकी मजबूरी हो जाएगी ज्वाइन करना, क्योंकि कौन व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहना चाहता, कौन सा व्यक्ति है जो अपने परिवार में खुशियां नहीं लाना चाहता। और हमारे परिवारों में खुशियां ना आने के सिर्फ 2 कारण है, हेल्थ और वेल्थ, और हम उन्हीं 2 प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं। दोस्तों हम हर परिवार की समस्याओं पे काम कर रहे हैं। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, आज अगर हम इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं जरूर आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अगर कंपनी के प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, कंपनी चाहती तो डायरेक्ट स्टोर खुलवा देती और बिक रहे हैं। आज ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं है, लेकिन हमारे लीडर उनको MRP प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, अपना रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं और लोग प्रोडक्ट MRP पे ले रहे हैं 100% प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से। तो सवाल ही आता है कि फिर हमारा रोल क्या है, हम लोग इसमें पैसे क्यों कमाए या कंपनी हमें मौका क्यों दे रही है? क्योंकि दोस्त हमारे MD साहब चाहते
इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाने के बाद स्टोर खुलवा देते, शोरूम खुलवा देते, उन्हें हमें और आपको ज्वाइन कराने की जरूरत क्या थी? दोस्तों इसलिए जरूरत थी, इसलिए उन्होंने इस काम को किया है क्योंकि उनका मकसद प्रोडक्ट बेचना नहीं था, उनका मकसद इस प्रोडक्ट के माध्यम से हिंदुस्तान की जनता को एक प्लेटफॉर्म देना था जहां से एक आम इंसान को, एक आम बच्चे को मौका मिल पाए कि वो भी अपने टैलेंट और वो भी अपने बात करने के तरीके और वो भी अपने आप को इम्प्रूव करके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसा कमा पाए। वरना अगर प्रोडक्ट ही बेचने होते तो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही हैं, वो बेच सकती थी। लोग जब सवाल करते हैं कि आप कैसे बोल सकते हो आयुर्वेद के बारे में, क्या आप डॉक्टर हो? दोस्तों मैं आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ, बाबा रामदेव जी डॉक्टर हैं? वो तो अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट खूब प्रमोट करते हैं। हमारे सारे प्रोडक्ट कोई दवाई नहीं है, हमारे सारे के सारे प्रोडक्ट आयुर्वेदिक रस है, आयुर्वेदिक काढ़ा है, जिसको कोई भी व्यक्ति प्रमोट कर सकता है। दोस्तों मार्केट में हम लोग लेने जाते हैं, अदरक लाते हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं, जड़ी बूटी के रूप में यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर हम लोग मार्केट से लाते हैं जिनके फायदे बहुत हैं। हम लोग ड्राई फ्रूट लाते हैं, यही चीजें तो हमारे अंदर पड़ी हैं, हमारे जितने भी जो भी रस हैं उनके अंदर यही तो जड़ी बूटियां पड़ी हैं, ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं, उसके लिए कहाँ डॉक्टर होना जरूरी है? अगर डॉक्टर होना जरूरी है तो फिर बाबा रामदेव को डॉक्टर होना जरूरी है। हम लोग च्यवनप्राश लाते हैं, डॉक्टर के पास से लाते हैं? आज हमारे पास में भी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारे जो सवाल हमारे मन में चल रहे हैं, जब तक हम ये क्लियर नहीं करेंगे, हम क्लियर माइंड नहीं होंगे दोस्त, तब तक हम किसी दूसरे को कंफ्यूज माइंड से कभी भी ला नहीं सकते। तो कितने लोग आज बहुत सारी चीजों को लेके क्लियर हुए हैं, कितने लोगों को आज डिसीजन मिल पा रहा है कि नहीं सर मेरे मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं 100% अब इस काम को पूरे मन से, पूरे धन से, पूरे तन से करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था और आपने उसमें यस किया है कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात का आपको एहसास है। लोगों की मदद करना, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना दुनिया का सबसे अच्छा काम है। मैं बताना चाहता हूं कि गरीब को, भूखे को रोटी तो कोई भी खिला सकता है, लेकिन दोस्तों किसी को कामयाबी दिलाना धरती का सबसे अच्छा काम, सबसे कामयाब काम है। आज महिपाल गुरु जी ने महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर का साथ दिया। हो सकता है जॉइनिंग के टाइम उन्होंने 500 रुपए उनसे कमाए हो, लेकिन आज महागुरु जी ने 1 करोड़ रुपया कमाया है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आज उनकी जिंदगी जो नाकाम जिंदगी थी कामयाबी में बदल गई, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम है? तो वही मौका आज आपके सामने है कि आप पता नहीं कितने लोग जो कामयाब होना चाहते हैं उनको कामयाबी दिला सकते हैं, पर उसके लिए आपको इस प्लेटफॉर्म की नॉलेज, इस प्लेटफॉर्म पे आपको विश्वास करना पड़ेगा, आपको एहसास करना पड़ेगा कि ये धरती का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोगों को प्रोडक्ट के माध्यम से, हेल्थ अवेयरनेस के माध्यम से उनकी हेल्प कर सकते हैं, इसके अलावा उनको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके घर में पैसा कमा सकते हैं। आज अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ तो एक बार अच्छी हो गई, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज हर फैमिली की है तो वो एक ही है, वो पैसे की प्रॉब्लम। और वो मेन प्रॉब्लम में अगर हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया, आज मुझे बताइए, आज महागुरु जी दिलीप चौबे सर क्या कभी महिपाल महागुरु जी को भूल पाएंगे? क्या उनकी आने वाली जनरेशन, क्या उनका परिवार कभी उनको भुला पाएगा, जिनकी वजह से आज उनके घर में इतनी खुशियां आई हैं? कभी भी नहीं भुला पाएंगे दोस्त। क्या आज मैं महागुरु जी को भुला पाऊंगा, मेरी आने वाली 7 जनरेशन भी नहीं भुला पाएंगी, क्योंकि आने वाले समय में यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ हम अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए भी छोड़ के जाने वाले हैं एक नेटवर्क। क्योंकि आज अगर कोई अच्छी नौकरी में है, उसको ये चिंता है कि आज वो डॉक्टर तो है, कल उनके बच्चे डॉक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे कोई गारंटी नहीं। आज कोई इंजीनियर है, वो कल उसका बेटा इंजीनियर बनेगा कि नहीं बनेगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी कोई गारंटी नहीं। लेकिन दोस्तों हम जिस प्लेटफॉर्म में आज हम डायमंड हैं, आने वाले समय में डायमंड बनेंगे, हमारा बच्चा बिना ही करे उसको जो नेटवर्क मिलेगा, हमारी आईडी है, उसी आईडी पे उसको आजीवन पैसा कमाने का मौका रहेगा, लाखों रुपए महीने उसको कमाने का मौका रहेगा, सिर्फ वो अपनी योग्यता बढ़ा ले, उसको कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं रहेगी। दोस्तों इतना बेहतरीन, इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म आज हमें मिल चुका है, आप मुझे बताइए इसको कैसे करना चाहिए? ऐसे करना चाहिए जैसे आज तक हम कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्त। एक एक व्यक्ति को सिर्फ कॉन्फिडेंस बिकता है, सिर्फ कॉन्फिडेंस बिकता है मार्केट के अंदर। आपको अपने ऊपर और अपने प्रोडक्ट पे, अपने प्लेटफॉर्म पे कितना कॉन्फिडेंस है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ज्वाइनिंग आएगी कि नहीं आएगी। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आपकी एज क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों को सिर्फ एक बात करनी है कि आपके पास, आपको मिला हुआ क्या है, आदमी को लगना चाहिए इस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी बात को क्लोज करूंगा। कुछ मैसेजेस हैं जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगा दोस्त, वो ये है कि अभी कोविड चल रहा है, अपने आप को केयर करनी है, अपनी फैमिली की केयर करनी है, और हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं अभी ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ही फोकस करें,
और बाहर भी निकले तो सैनिटाइजर का बहुत ज्यादा यूज करें, मास्क लगा के रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। और मैं जरूर एक बात बताना चाहूंगा, सरकार के लिए 10-20 लाख लोग मर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी फैमिली से अगर एक आध बंदा कम हो गया तो हमारी जिंदगी जो है वो क्या हो जाएगी आपको बताने की जरूरत नहीं। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने मास्क का हमेशा यूज करें, मास्क को धुल के बढ़िया तरीके से न्यू मास्क यूज करें, दूरी बना के रखें, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि दुनिया के लिए हम एक आदमी हैं लेकिन अपने परिवार के लिए हम पूरी दुनिया हैं। इस बात को हमें और आपको विशेष रूप से समझना है, क्योंकि जब तक होता नहीं है, एक साल से हमें कोरोना नहीं हुआ तो हम हीरो बने घूम रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दोस्त हल्के में नहीं लेना है। मानता मैं भी नहीं हूँ कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। जिस तरीके से रोड पे कुछ नहीं है, एक्सीडेंट होता है तब पता चलता है, डर तो लगा ही रहता है, तो क्या करते हैं हम रोड पे चलने से पहले, अपनी सुरक्षा के हिसाब से चलते हैं, ओवर स्पीड नहीं चलते, अपनी गाड़ी को, अपनी स्टपनी को, अपने पहियों की हवा को बढ़िया से चेक करके चलते हैं कि हमारी गाड़ी सुरक्षित, हम अच्छे से चलाएंगे तो हम कभी भी एक्सीडेंट के शिकार नहीं होंगे। जबकि लाखों लोग हर साल हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। कौन मरते हैं? वही जो बचाव नहीं करते, जो बचाव के उपाय पे फोकस नहीं करते। तो हम भी आज उसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोरोना का एक ही उपाय है, बचाव। तो अपने जो भी बचाव के काम उन पे फोकस करें। दूसरा एक बचाव ये भी है कि आज हम ज्यादा से ज्यादा इस बिजनेस को ऑनलाइन सीखने की कोशिश करें, ऑनलाइन जब भी मौका मिले इस पे फोकस करें और ज्वाइनिंग निकालें, लोगों से बात करें। प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाएगा, अभी हमारा कल हम लोग एक वेबिनार कर रहे हैं 500 लोगों का, और आप लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, ज्यादा नहीं, आप सभी लोग अपनी आज दोबारा से अपने आप को अपडेट करिए, अपना माइंड क्लियर करिए, जो कि आज आपका हो चुका होगा, दोबारा से आप अपनी लिस्ट बनाइए और कल के लिए आप कम से कम 5 लोगों के मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करा के कनेक्ट कराना है। और यहाँ पे लगभग 150-200 लोग हम लोग बैठे हैं, और 5-5 लोगों को आपको कनेक्ट कराना है, और कल हम 500 लोगों का हाउसफुल सुपर सेमिनार करेंगे, वेबिनार करेंगे। कितने लोग उस वेबिनार में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं, अपने गेस्ट बैठाने के लिए तैयार हैं? और ऐसी बेहतरीन क्लोजिंग के साथ में, जबरदस्त क्लोजिंग के साथ में वेबिनार होगा कि आपको उसके बाद सिर्फ कॉल करना होगा और सामने वाला बोलेगा भाई साहब पेमेंट कौन से अकाउंट में भेज दें, इस बात की हमारी गारंटी है। बस आपको लोगों को बैठाना है, प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनको बेहतर तरीके से बताना है कि आज कोविड के टाइम पे अगर आपको अपनी हेल्थ और घर बैठे अपनी वेल्थ बढ़ाने का मौका मिले तो क्या आप 1 घंटे का समय निकाल सकते हैं? बोलता है यस बताओ क्या है, बोले क्या है क्या नहीं है, वो उस 1 घंटे के सेमिनार में आपको देखने का मौका मिलेगा। हालांकि उसमें सीटें लिमिटेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे बताइए, मैं आपको एक लिंक भेजता हूं और आप टाइम से कनेक्ट कर लीजिए। और लास्ट तक बने रहना है, छोड़ना नहीं है, लीव नहीं करना है, सारी बातों को सुनना है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कल हम लोग कनेक्ट कराने वाले हैं, और अभी हमारे पास में 15 मिनट है, इसमें हम कुछ लोगों से, कुछ लीडर्स से बात करना चाहेंगे कि उनकी क्या तैयारी रहेगी इसके लिए। और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहे, बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया,